भारत ने जो अपराध नाटिंगम में किया वही अपराध सेंचुरियन में किया और अब वही अपराध भारत ने एक बार फिर से दोहराया है एज टेस्ट में जी हां इस बार भारत ने दो ओवर शॉर्ट फेंके हैं निर्धारित ओवरों से तो इस तरह से भारत के जो है चालीस फीसदी भारतीय खिलाड़ियों की, की फीस कट गई है और 40 फीसदी का मतलब यह होता है कि अगर आप एक ओवर शॉर्ट फेंकते हैं तो 20 परसेंट आपकी फीस काट ली जाती है लेकिन यहां दो ओवर कम हुए हैं और इससे भारत को नुकसान हुआ भारत के दो अंक भी कम हो गए हैं और उसका एक भारत को अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ेगा और वो भी खासकर उस स्थिति में जबकि भारतीय टीम जो पॉइंट्स टेबल में अगर देखें डब्ल्यू की पॉइंट्स टेबल में अब चौथे स्थान पर लुढ़क गई है यहां तक कि पाकिस्तान भी अब तीसरे स्थान पर आ गई है पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है और हालांकि कुछ एक पॉइंट्स का फर्क है दोनों के बीच में पाकिस्तान और भारत के बीच में लेकिन ये जो दो पेनल्टी पॉइंट्स जो भारत ने गवाए हैं इससे भारत की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है और हम आपको याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया ने यही अपराध किया था 2020 यानी जो पिछला पड़ाव था पिछली साइकिल थी डब्ल्यू की वहां पर भारत के खिलाफ मुकाबले में यही अपराध ऑस्ट्रेलिया ने किया था जिसका उसे बहुत ही नुकसान हुआ था और अब जसप्रीत बुमराह ने स्वीकार कर ली है अपनी गलती तो इसलिए कोई सुनवाई नहीं होगी इस मामले में और अब यह तय हो गया है या भारत को जो है डब्ल्यू में पॉइंट्स का नुकसान होगा दो पॉइंट्स का नुकसान होगा पेनल्टी पॉइंट्स और ये बहुत महंगे साबित हो सकते हैं इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार